कैंपेन का इनिशिएशन है कि हम कोने गांव तक जहां एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है लास्ट बॉर्डर एरिया तक वहां तक पहुंच के हमारे जो प्रशासन है हमारे देश की प्रशासन और हमारे जिला के राज्य और स्टेट के प्रशासन वहां इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि हम सब जुड़े रहें, हम सब एक आवाज़ से अभिन्न अखंड आवाज़ से ये कहे कि हम भारत की देशवासियों हैं, ये मैसेज देने के लिए भी ये डिप्टी कमिश्नर ने पहल लिया। उसके लिए मैं धन्यवाद उनको देता हूँ, उनका प्रशासन, उनका हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को भी देता हूँ। भाई के अंतर्गत इस पर फंडिंग हुआ था, थोड़ी सी डिले हुआ है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस, लेकिन अभी शुरुआत हुआ है, तकरीबन 1.5 साल हुआ है। मेरे ख्याल से इसको निगरानी डिपार्टमेंट RW डिपार्टमेंट कर ही रहा है और हम लोग भी देख रहा है और हमारे ज़िला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर के अंदर भी इसके ऊपर मॉनिटरिंग होता है। तो हमारे सोच में है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है, कंप्लीशन करना है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग भी लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के अंदर ये पूरी कारपेटिंग भी हो ही जाएंगे, पूरी अच्छे ही रास्ता बन जाएंगे, यही बात है। स्टेट फूड डे और रे फेस्टिवल आज हम लोग देसाली में एक साथ दिन है स्टेट के लिए और देसाली के लिए और हमारे लोअर दिबांग वैली के लिए, क्योंकि आज स्टेट फूड डे है और साथ में रे है। और स्टेट फूड डे जो है आज हम चाइना बॉर्डर के बिल्कुल लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर में मना रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि हम जैसे ऑनरेबल MLA साहब ने बताया पहले स्पीच में कि हमारा देसाली देश का अभिन्न अंग है, ठीक इसको दर्शाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और हमारे जो पीछे में जो बैठे हैं मैकमोहन लाइन के उस पार में, उसको भी हम मैसेज देने के लिए हम स्ट्रीट फूड डे और रे फेस्टिवल आज 20 फरवरी को यहाँ देसाली में मना रहे हैं। और सबको मैसेज देने के लिए हम और हमारे ऑनरेबल MLA ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक निर्णय है और एक हिस्टोरिक सेलिब्रेशन है। ये हम बता देगा और इस पहल से लोगों में भी काफ़ी जागरूकता आएगा और जो नेशनलिज्म का जो भावना है, देशभक्ति का भावना है, ये भी ज़रूर इस पहल के बाद बढ़ेंगे। थैंक यू। टाउन प्लानिंग का आपने पूछा है कि ये जो लोकेशन बिल्कुल मिनी अनिनी जैसे लगता है, बहुत सुंदर तो है लेकिन और भी सुंदर हो सकता था अनिनी अगर टाउन प्लानिंग को ठीक ठाक से होने से। तो वहाँ का जो लोकेशन को देखते हुए और यहाँ का लोकेशन को देखते हुए टाउन प्लानिंग करना बहुत ही अनिवार्य है, मुझे ऐसे लगा। तो इसके लिए हम जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनका सहयोग लेंगे और हमारे जो DC ऑफिस है उसमें हमारे लैंड रिकॉर्ड लैंड मैनेजमेंट के टेक्निकल टीम है, वो सबको साथ जोड़ के हम लोग का टीम यहाँ आएंगे और यहाँ के लोगों का पूरा भरपूर सहयोग चाहिए और एक देसाली के एक मास्टर प्लान बन जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में देसाली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बनने जा रहा है। ये सबसे पहले तो हम थैंक्स देता है हम लोग का ऑनरेबल MLA को कि एक बहुत सा एक हिस्टोरिक डे है आज, फर्स्ट स्टेटहुड डे है प्लस यहाँ में हम लोग आज हम लोग का देसाली में वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट प्लेस इन लोअर दिबांग वैली हम लोग आज सर के इनिशिएटिव में DC सर के इनिशिएटिव में आया है। एंड देन यहाँ एक्चुअली ये एक बाद में फ्यूचर में हब बनने वाला है बिकॉज ये जो एक कनेक्टिविटी अंजाव बॉर्डर एरिया प्लस अंजाव यहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ में हम लोग इनिशिएशन से हम खुद भी परस्यू करेगा कि यहाँ एक आउटपोस्ट होना है पुलिस का, पुलिस प्रेजेंस यहाँ ज़रूरी है और कल इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाने से उसमें प्रेजेंस बहुत जरूरी, इसके लिए आई विल टेक अप द मैटर टू आवर सीनियर अथॉरिटी। थैंक यू।